so let us start with question number 2 then. question number 2, they can gain our classwork. question 2, we are given p-banerjee had following transactions with mr. p-sen. we are given transactions between p-banerjee and p-sen. on jan 20, sold goods to p-sen. on march 2, p-banerjee is purchasing goods from p-sen. on march 3,

एंड सेंडिंग इट टू पी सेन पी बैनर्जी प्रिपेयर कर रहा है और पी सेन को सेंड कर रहा है तो हेडिंग फॉर द स्टेटमेंट शुड बी वॉट हुट पी सेन इज द रिसीपियंट हुडर पी बैनर्जी इज सेंडर तो हेडिंग विपियंट इन अकाउंट करंट विथ सेंडर मतलब पी सेन इन अकाउंट करंट विथ पी बैनर्जी पी सेन in account current with P Banerjee as on you are preparing this statement as on 30th June 2010 आप ये statement बना रहे हो up to 30th June 2010 अगर ये statement P Banerjee prepare कर रहा है और send कर रहा है तो हम लोग क्या सोच के क्या पे ये स्टेटमेंट में एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे हम पी पैनर्जी की बुक्स में बना, अ, हम पी पैनर्जी की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हैं हम पी पैनर्जी की बुक्स में पी सेन का एक लेजर अकाउंट बना रहे हैं हम किसके बिहार पे, पे सोचेंगे और हम अपनी बुक्स में पी बैनर्जी की बुक्स में पी सेन का एक लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन पी ऑन जैन ट्वेंटी फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन जनवरी ट्वेंटी सोल्ड गुड्स टू पीस एन टू थाउजेंड एट हंड्रेड वी आर सेलिंग गुड्स टू पीस एन. जर्नल एंट्री सोचना है पीस एन को हमने गुड्स बेचा सेल किया है तो सेल इनकम है क्रेडिट होगा पीस एन से पैसा फ्यूचर में मिलेगा पीस एन बिकम्स आर डेटर एसेट इंक्रीजेस डेबिट होगा जर्नल एंट्री विल बी पीस एन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो पी के अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स टू थाउजेंड एट हंड्रेड कोई क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है तो जो ट्रांजेक्शन डेट है वही आपका ड्यू डेट हो जाएगा दैट इज सेकेंड जनवरी टू थाउजेंड टेन सॉरी इट इज ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड टेन ट्वेंटी जनवरी टू थाउजेंड टेन नेक्स्ट डेट सेकेंड मार्च नाउ वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम पीसेन हम पीसेन से गुड्स परचेज कर रहे हैं परचेज हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस डेबिट होगा पीसेन से गुड्स परचेस किया है तो अमाउंट इज पेबल टू पीसेन पीसेन बिकम्स आर क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू पीसेन सेन परचेज अकाउंट डेबिट टू पीसेन सेन सेकेंड मार्च सेन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे बाय परचेस अगेन ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट होगा वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेक्स्ट एक्सेप्टेड पी ड्राफ्ट एट वन मंथ्स ड्यू एक्सेप्टेड वी आर एक्सेप्टिंग रिमेंबर हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए हमेशा पेबल होता है यहां पे वी आर एक्सेप्टिंग मतलब हमारे लिए पेबल बिफोर एक्सेप्टिंग दिस बिल ये बिल एक्सेप्ट करने से पहले पीस एन अपना क्रेडिटर था जैसे ही हमने बिल एक्सेप्ट किया अब पी सेन अपना क्रेडिटर नहीं रहेगा अब ये बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी पी सेन क्रेडिटर था उसका क्रेडिट बैलेंस था अब वो क्रेडिटर नहीं रहेगा मतलब लाइबिलिटी डिक्रीजेस डेबिट करेंगे का payable, पहले नहीं थी, अब बन गई. तो पी सेन इज नो लॉन्गर आर क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीजेस इज बिल्स पेबल नाउ बिकम्स आर लाइबिलिटी बिल्स पेबल अब अपनी लाइबिलिटी हो गई है आर लाइबिलिटी इंक्रीज तो जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन विल बी पीस एंड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल पीस एंड अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल तो पीस एंड के अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करेंगे ऑन थर्ड मार्च टू बिल्स पेएबल अकाउंट वन मंथ का बिल है तो आफ्टर थर्ड मार्च वन मंथ विल बी थर्ड अप्रैल plus 3 days of grace 6th april 2010 will be its due date 6th april 2010 will be its due date 1200 next transaction april 11 कैश पेड टू पी सेन पी सेन को कैश पे किया है पी सेन अकाउंट डेबिट कैश गोज आउट एस एड डिकेडिट पी तो पी सेन के के अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश पी सेन अकाउंट डेबिट टू कैश कैश ट्रांजेक्शन के लिए तो ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट होगा चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थर्टी अप्रैल गुड्स सोल्ड टू पी सेन विच इज ड्यू एट ड्यू एंड ऑफ मे वी आर सेलिंग गुड्स टू पी सेन पी सेन को गुड्स सेल कर रहे हैं अगेन सेम जर्नल एंट्री पी सेन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अमाउंट इज रुपीज एट हंड्रेड

हमने पी सेन पे एक बिल ड्रॉ किया है इफ वी आर ड्रॉइंग अ बिल दैट बिल बिकम्स बिल रिसीवेबल फॉर अस हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल हो गया दिस पेबल टू मंथ्स आफ्टर डेट एंड दिस वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई पी सेन कौन सी डेट को ड्रॉ किया बिल जून ट्वेल्थ को बिल ड्रॉ करने से पहले पी सेन अपना डेटर था इसीलिए बिल ड्रॉ कर रहे हैं बिल ड्रॉ करने से पहले पी सेन अपना डेटर था जैसे ही बिल ड्रॉ करेंगे अब पी सेन अपना डेटर नहीं रहेगा अब वो बिल अपनी एसेट हो जाएगी पी सेन डेटर था एसेट था अब वो डेटर नहीं रहेगा मतलब एसेट डिक्रीजेस तो पी सेन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बिल रिसीवेबल अब अपनी एसेट हो गई है तो एसेट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी सेन बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी सेन ऑन जून ट्वेल्व बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पी सेन ट्वेंटी वन हंड्रेड ड्यू डेट क्या होगा सर तो इट्स अ टू मंथ बिल टू मंथ्स का बिल है मतलब जून ट्वेल्व प्लस टू मंथ्स विल बी August. August 15th August. 15th August तो तो ट करना है हम लोग कौन सा मेथड अभी फॉलो कर रहे हैं फॉरवर्ड बैलेंस मेथड सर फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं सर फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन टू स्टेटमेंट डेट वॉट इज स्टेटमेंट डेट थर्टी जून ये पूरा स्टेटमेंट क्या जम्शन पे बनता है सारा पेमेंट थर्टी जून को दे दिया जाएगा मतलब सभी ट्रांजेक्शन पे थर्टी जून तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो लेट स्टार्ट कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन ट्वेंटी जनवरी। ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ट्वेंटी जनवरी। तो नंबर ऑफ डेज इन मंथ ऑफ जनवरी 11 डेज आर लेफ्ट फेब 28 डेज आर लेफ्ट मार्च सर 31 डेज़। अप्रैल 30 डेज इन द मंथ ऑफ मई 31 days and for june 30 days so total number of days 161 days

इलेवेंथ नो नंबर ऑफ डेज इन जैन फ़ेब एंड मार्च अप्रैल में नाइनटीन डेज थर्टी वन डेज इन मे थर्टी डेज इन जून टोटल एटी डेज थर्टी फर्स्ट मे टी फर्स्ट मे जनवरी में एक भी दिन नहीं फेब में एक भी दिन नहीं मार्च में एक भी दिन नहीं अप्रिल में एक भी दिन नहीं मे में थर्टी फर्स्ट डेट है एक भी दिन नहीं थर्टी डेज ऑफ जून देन सेकेंड मार्च सेकेंड मार्च जीरो डेज इन जनवरी जीरो डेज इन फेब मार्च में ट्वेंटी नाइन डेज थर्टी डेज अप्रैल में थर्टी वन डेज जून में एंड थर्टी वन डेज मे में एंड थर्टी डेज ऑफ जून तो टोटल वन ट्वेंटी डेज इलेवन फाइव इलेवन फाइव जैन फेब मार्च अप्रैल मे में थर्टी वन माइनस इलेवन ट्वेंटी डेज थर्टी डेज ऑफ जून टोटल फिफ्टी डेज टोटल नंबर ऑफ डेज फिफ्टी डेज तो वन सिक्सटी वन डेज ऑफ फिर एटी फाइव डेज फ्रॉम सिक्स 80 डेज फ्रॉम इलेवेंथ अप्रैल थर्टी डेज फ्रॉम थर्टी वन मे वन ट्वेंटी डेज एंड अगेन फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इसका ड्यू डेट तो अपनी स्टेटमेंट डेट के भी बाद में आता है ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का पेमेंट फोर्टीन ऑगस्ट को देना चाहिए हमने पेमेंट थर्टी जून को दे दिया है मतलब हम जल्दी पे कर रहे हैं तो इस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या नहीं सर हम लोग यहां पे इंटरेस्ट सेव करेंगे रिबेट मिलेगा तो ये नंबर ऑफ ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के नंबर ऑफ डेज रेड कलरिंग से रिकॉर्ड करेंगे यही हमारे रेडिंग डेज हैं हम लोग यहां रेड कलर यूज नहीं करेंगे हम लोग सिंपली उसे नेगेटिव साइन के साथ रिकॉर्ड करेंगे तो जुलाई में थर्टी वन डेज ऑगस्ट में फोर्टीन डेज टोटल फोर्टी फाइव डेज क्लियर लेट्स कैलकुलेट इंटरेस्ट देन इंटरेस्ट टेन परसेंट पर एनम कैलकुलेट करना है तो ऑन ट्वेंटी एट हंड्रेड सबसे पहले इंटरेस्ट एट टेन परसेंट फॉर वन सिक्सटी वन डेज one twenty three point five one. Then on twelve hundred eighty five days ka interest twenty seven point nine five on one thousand interest for eighty days. Twenty one point nine two on eight hundred interest for thirty days, six point five eight on fifteen hundred interest for one twenty days, forty nine point three two is the interest.

तो बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 123.51 प्लस 27.95 प्लस 21.92 प्लस 6.58 माइनस 49.32 माइनस 27.39 प्लस 25.89 तो so इट कम्स टू बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन फोर नेट इंटरेस्ट पेबल कितना मिला वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन फोर और हमने डिस्कस किया था प्रीवियस एग्जाम्पल में यह जो भी नेट इंटरेस्ट हमको मिलेगा जो भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा उसके अपोजिट साइड अमाउंट कॉलोम में रिकॉर्ड कर देंगे ऑन स्टेटमेंट डेट ऑन थर्टी जून कितना इंटरेस्ट पेबल है वन ट्वेंटी नाइन पॉइंट वन फोर वन ट्वेंटी नाइन राउंड ऑफ अगर किया जाए तो लास्टली नाउ वी कैन कैलकुलेट बैलेंस इन अमाउंट कॉलम अब हम लोग बैलेंस अमाउंट कॉलम में कैलकुलेट कर सकते हैं बैलेंस इन अमाउंट कॉलम कम्स टू थ्री ट्वेंटी नाइन टोटल अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट कितना पेबल है ऑन थर्टी जून इट इज थ्री ट्वेंटी नाइन पॉज करेंगे कॉपी करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके फ्रेंड्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन या थर्ड क्वेश्चन ऑफ अकाउंट करंट इन योर क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर नाइन प्लीज आपको दिया है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस बिट्वीन ए एंड बी ड्यूरिंग द हाफ इंड डेट थर्टीएथ जून ए और बी के बीच में ट्रांजेक्शन जो हुए उसका इंफॉर्मेशन आपको दिया है ऑन थर्टीएथ जून या अप टू थर्टीएथ जून आफ्टर द्रांजेक्शन लास्ट लाइन पढ़िए क्या दिया है ड्रॉप एन अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय बी टू ए कौन प्रिपेयर कर रहा है ये स्टेटमेंट बी बना रहा है और बी ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करके ए को दे रहा है इज द द सेंडर तो हेडिंग तो क्या बन जाएगा अगेन बी इज प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग इट टू ए तो ए इन अकाउंट करंट विथ बी Recipient in account current with sender as on thirtieth June two thousand ten. A in account current. With B and we are preparing this statement as on 30th of June 2010. ये statement हम बना रहे हैं on which date 30th June 2010. चलिए कौन बना रहा है B बना रहा है तो हम किसके बिहाफ पे सोचेंगे हम B के बिहाफ पे सोचेंगे सर B की books में A का ledger account हम बना रहे हैं आर प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट ऑफ ए इन बुक्स ऑफ बी बी बन के सोचेंगे तो पहला ट्रांजेक्शन दिया है बैलेंस ड्यू टू ए मतलब अमाउंट इज पेबल टू ए इफ अमाउंट इज पेबल टू ए यहां पे ए हमारे लिए क्या है क्रेडिटर है मतलब यहां पे बी जो डेटर था वो ये स्टेटमेंट बना के अपने क्रेडिटर को दे रहा है हमने डिस्कस किया था इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर लेकिन यहां पे इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय डेटर एंड ही इज सेंडिंग दिस स्टेटमेंट टू हिज क्रेडिटर तो हम लोग बी बन के सोच रहे हैं अमाउंट पेएबल टू ए ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी इज हाउ मच थ्री थाउजेंड तो ए के अकाउंट में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ए के अकाउंट में ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस हमें दे दिया है इट थ्री थाउजेंड क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है इसका सेम बैलेंस का डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा नेक्स्ट गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी हम कौन हैं बी हैं सर बी बन के सोचेंगे ए इज सेलिंग गुड्स टू बी मतलब बी इज परचेजिंग गुड्स फ्रॉम ए हमने ए से गुड्स खरीदा है जर्नल एंट्री क्या होगा परचेज किया है परचेज अकाउंट डेबिट टू ए परचेज अकाउंट डेबिट टू ए तो ए के अकाउंट में पोस्टिंग अगेन ऑन क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट सेम ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा एंड अमाउंट ऑफ परचेज इज फोर थाउजेंड फोर हंड्रेड नेक्स्ट, गुड्स परचेस्ड बाय ए फ्रॉम बी नाउ ए इज परचेसिंग गुड्स फ्रॉम बी ए बी से गुड्स खरीद रहा है मतलब बी के लिए क्या ट्रांजेक्शन हुआ बी ए को गुड्स बेच रहा है और बी अगर एको गुड्स बेच रहा है तो बी अपनी बुक्स में एंट्री क्या पास करेगा ए अकाउंट डेबिट ए डेटर बन गया ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो ए के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे ऑन डेबिट साइड टू सेल्स फेब सिक्सटींथ ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट सेम ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा एंड वॉट इज अमाउंट ऑफ गुड सोल्ड इट इज सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड चलिए नेक्स्ट गुड्स रिटर्न बाय ए टू बी हम बी बन के सोचेंगे ए हमें गुड्स रिटर्न कर रहा है मतलब ए को जो गुड्स बेचा था वो हमें रिटर्न कर रहा है ए को जो गुड्स बेचा था अगर वो हमें रिटर्न कर रहा है तो इट इज सेल्स रिटर्न फॉर एस इट इज वॉट सेल्स रिटर्न फॉर एस सोचिए जर्नल एंट्री क्या होगा सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न मतलब इट इज रिड्यूसिंग आर इनकम हमारी इनकम को कम कर रहा है मतलब एक्सपेंस है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट इनकम रिड्यूसेस इनकम डिक्रीजेस डेबिट करेंगे एंड ए ए अपना डेटर था गुड्स रिटर्न कर दिया तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम ए रिड्यूस हो जाएगा एसेट डिक्रीज हो जाएगा एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ए सेल्स रिटर्न टू ए तो ए के अकाउंट में पोस्टिंग विल बी ऑन क्रेडिट साइड ऑन फेब एटीन इज रिटर्निंग गुड्स ऑफ रूपीज फाइव हंड्रेड ए इज रिटर्निंग गुड्स ऑफ rupees फाइव हंड्रेड अब यहां पे आगे क्या लिखा है थोड़ा ध्यान से देखेंगे ए रिटर्न गुड्स टू बी ऑन फेब एटीन बट दीज आर गुड्स रिटर्न आउट ऑफ परचेज made मेड ऑन फेब सिक्सटीन ये जो गुड्स रिटर्न किया गया है ये सिक्सटीन फेब को जो उसने गुड्स खरीदा था उसमें से रिटर्न किया है ये जो गुड्स रिटर्न किया है ये सिक्सटीन फेब की परचेज में से रिटर्न किया है स्पेसिफिकली बोल दिया है इसी परचेज में से गुड्स रिटर्न किया गया अगर इसी परचेज में से गुड्स रिटर्न किया गया तो इस परचेज का जो ड्यू डेट है वही रिटर्न का ड्यू डेट मान लिया जाएगा अगेन गुड्स अगर परचेज या सेल्स रिटर्न किया जाए इफ गुड्स आर रिटर्न आउट ऑफ अ स्पेसिफिक परचेज और सेल एक स्पेसिफिक परचेज या सेल में से गुड्स रिटर्न किया जाए तो जो परचेज या सेल का ड्यू डेट था वही डेट रिटर्न का भी ड्यू डेट मान लिया जाएगा मतलब सर यहां पे फॉर सेल्स रिटर्न ड्यू डेट क्या लिया जाएगा फॉर सेल्स रिटर्न ड्यू डेट विल बी सेम ड्यू डेट एज ऑफ सेल्स ऑफ फेब गुड सोल्ड बाय बी टू ए ऑन मार्च ट्वेंटी फोर्थ बी इज सेलिंग गुड्स टू ए फ्रेंड्स जर्नल एंट्री क्या होगा ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स ए के अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स कुछ नहीं दिया है तो ड्यू डेट दे, ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी सेकंड अप्रैल को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बिल एक्सेप्टेड बाय ए फॉर थ्री डिस्कस किया था एक्सेप्ट करता है ए कर मतलब हमारे लिए क्या हुआ रिसीवेबल हुआ तो हम ए पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं हम ए पे बिल क्यों ड्रॉ कर रहे हैं पैसा मांगते थे अपना था इसलिए? जैसे ही बिल ड्रॉ किया ए अब अपना डेटर नहीं रहेगा अब वो बिल अपनी एसेट हो जाएगी ए अपना डेटर नहीं रहेगा डेटर मतलब एसेट ए अगर डेटर नहीं रहेगा तो एसेट डिक्रीजेस मतलब ए का अकाउंट क्रेडिट करेंगे बिल रिसीवेबल अपनी एसेट एसेट बन जाएगी तो हियर इंक्रीजेस बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट करेंगे तो हमने ए पे बिल ड्रॉ किया उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए ऑन ट्वेंटी सेकेंड एप्रिल बिल रिसीवेबल टू ए तो ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल फिफ्टीन हंड्रेड बाय बिल्स रिसीवेबल थ्री मंथ का बिल है सर थ्री मंथ्स ड्यूरेशन है तो ट्वेंटी सेकेंड अप्रिल प्लस थ्री मंथ्स ट्वेंटी सेकेंड जुलाई प्लस थ्री डेज ऑफ ग्रेस ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई नेक्स्ट कैश पेड बाय ए टू बी कैश पेड बाय ए टू बी ए बी को कैश दे रहा है तो हमें बी को कैश मिल रहा है वी आर रिसीविंग कैश इफ यू आर रिसीविंग कैश कैश इंक्रीजेस एसेट इंक्रीजेस एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू ए कैश डेबिट टू ए के अकाउंट में पोस्टिंग अगेन ऑन क्रेडिट साइड बाय कैश कैश ट्रांजेक्शन है तो ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा अमाउंट एज 2,500, 2,500। गुड्स सोल्ड बाय ए टू बी ए इज सेलिंग गुड्स टू बी बी के लिए क्या हुआ परचेज हो गया सर बी ए से गुड्स परचेज कर रहा है एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू ए परचेज टू ए तो ए के अकाउंट में पोस्टिंग अगेन क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा अमाउंट एज टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड नेक्स्ट गुड्स सोल्ड बाय बी टू ए बी इज सेलिंग गुड्स टू ए तो हमारे लिए सेल्स हो गया ए टू सेल्स ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स ट्वेंटी सेकेंड जून टू थाउजेंड टेन थ्री थाउजेंड तो वी हैव रिकॉर्डेड ऑल दी ट्रांजेक्शन सारे ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं लेट्स नाउ स्टार्ट कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज नंबर ऑफ डेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जनवरी सेवेंथ ऑफ जनवरी सिक्सटींथ ऑफ फेब ट्वेंटी फिफ्थ जुलाई ये तो स्टेटमेंट डेट के बाद आता है मतलब रेडिंग डेज आएगा ट्वेंटी नाइंथ अप्रिल सेवेंटींथ ऑफ मे सिक्सटींथ फेब हो गया ट्वेंटी फोर्थ मार्च एंड ट्वेंटी सेकेंड जून लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट जनवरी जनवरी में थर्टी वन डेज होते हैं लेकिन उसमें से वन डे चला गया तो थर्टी डेज ऑफ जनवरी लेकिन सर सर ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस में तो हम सेम डेट को भी इंक्लूड करते हैं ओपनिंग बैलेंस है तो फिर हम टोटल थर्टी वन डेज लेंगे फेब ट्वेंटी एट डेज मार्च थर्टी वन डेज अप्रैल थर्टी डेज मे थर्टी वन डेज एंड जून थर्टी डेज टोटल वन एटी वन डेज सेवेंथ जनवरी तो जनवरी में ट्वेंटी फोर डेज थर्टी वन माइनस सेवन ट्वेंटी एट थर्टी वन थर्टी थर्टी वन एंड थर्टी डेज टोटल वन सेवेंटी फोर डेज सिक्सटींथ Feb जनवरी में कोई डेज नहीं है Feb में ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटीन ट्वेल्व डेज ऑफ Feb थर्टी वन थर्टी थर्टी वन and 30 total 120 134 days jan feb march april may one day 31 and 30 62 days jan feb march april may may 17 days madlab 31 minus 17 14 days and 30 days जैन फेब मार्च में सेवन डेज अप्रैल थर्टी मे थर्टी वन एंड जून थर्टी नाइन्टी एट डेज ट्वेंटी सेकेंड जून एट डेज नंबर ऑफ डेज मिल गया हमको फर्स्ट जनवरी मतलब वन एटी वन डेज फिर वन सेवेंटी फोर डेज सर वन थर्टी फोर डेज सिक्सटी टू डेज फोर्टी फोर डेज नाइन्टी सॉरी यहाँ पे माइनस ट्वेंटी फाइव डेज सिक्सटी टू डेज फोर्टी फोर डेज नाइन्टी एट डेज सिक्सटींथ वन थर्टी फोर एंड एट डेज करेक्ट कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट एंड नंबर ऑफ डेज तो हमको मिलेगा 6400 इनटू 134 इंटू वन थर्टी फाइव हंड्रेड इंटू एट थ्री फोर्टी थ्री twenty four thousand one eighty one into three thousand five lakh forty three thousand forty four hundred into one seventy four seven sixty five six hundred one thirty four into five hundred sixty seven thousand fifteen hundred into twenty five minus thirty seven five hundred sir twenty five hundred into sixty two into one lakh fifty five thousand sir twenty seven hundred into forty four one lakh eighteen thousand eight hundred sir. तो वन लाख एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड प्लस वन लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड प्लस सिक्सटी सेवन थाउजेंड प्लस सेवेन सिक्सटी फाइव सिक्स हंड्रेड प्लस फाइव फोर्टी थ्री माइनस एट फिफ्टी सेवन सिक्स हंड्रेड माइनस थ्री फोर्टी थ्री थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फोर थाउजेंड तो थ्री एट्टी सेवन थ्री हंड्रेड ज नेट प्रोडक्ट फ्रिट्स थ्री एटी नेट प्रोडक्ट मिल रहा है थ्री एटी नेट प्रोडक्ट मिला तो वी मे नाउ कैलकुलेट इंटरेस्ट डायरेक्टली ऑन नेट प्रोडक्ट थ्री एटी नेट प्रोडक्ट मिला उस पर कितना परसेंट इंटरेस्ट है 20 परसेंट है फॉर वन डे सर तो so ऑन 387 एटी सेवन थ्री हंड्रेड वी नीड टू कैलकुलेट ट्वेंटी परसेंट फॉर वन डे इट कम्स टू टू वन टू पॉइंट वन टू साउंडिंग इट ऑफ टू टू वन टू तो नेट इंटरेस्ट कम्स टू टू वन टू इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे सर ऑन अपोजिट साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट नेट प्रोडक्ट के अपोजिट साइड तो ऑन जून थर्टी

212 minus 14812 minus 6400 minus 3500 minus 3000 so 1912 is the final balance final amount payable on june 30 final amount payable along with इंटरेस्ट इंटरेस्ट के साथ फाइनल कितना पैसा देना है सर वन नाइन वन टू आई होप द सम इज क्लियर आप लोग पॉज करेंगे कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट सम पे जाएंगे तो आई होप फर्स्ट थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ क्लास वर्क आर क्लियर टू यू आप लोग अब नेक्स्ट मेथड पे जाएंगे Second मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज second मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज कौन सा था सर बैकवर्ड बैलेंस method, बैकवर्ड बैलेंस मेथड या इसको epoch मेथड भी बोला जाता है आई होप आपने लिखा था पहले ईपोक मेथड बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हमने क्या डिस्कस किया था अगर ये हमारा स्टेटमेंट पीरियड है दिस इज आर स्टेटमेंट पीरियड फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड एंड दिस इज स्टेटमेंट डेट ये हमारा स्टेटमेंट डेट है तीन ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट है हमारे पास वी आर गिवन ड्यू डेट ऑफ थ्री ट्रांजेक्शन ट्राई एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक क्या कर रहे हैं इस मेथड में समझने की ट्राई करनी है तीन ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट है हम ये स्टेटमेंट क्या पे बनाते हैं सर स्टेटमेंट ये पे बनता है कि सारा पेमेंट स्टेटमेंट डेट को दिया जाएगा सारा का सारा पेमेंट अगर स्टेटमेंट डेट को दिया जाएगा तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा सेकेंड ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा थर्ड ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और हम लोग इसीलिए फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम थोड़ा डिफरेंटली सोचते हैं बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम सबसे पहले वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं जिसका इंटरेस्ट हमें फाइंड नहीं करना है सर वापस हम वो नंबर ऑफ डेज सोचते हैं वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते हैं जिसका इंटरेस्ट हमको फाइंड नहीं करना है सर यहां पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अगर ये ड्यू डेट है हमको कौन से नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड करना है सर ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक का इंटरेस्ट फाइंड करना है तो आई एम सेइंग कौन से नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है सर फर्स्ट डेट से ड्यू डेट का इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है ये वो नंबर ऑफ डेज है जिसका इंटरेस्ट हमको फाइंड नहीं करना है सेकेंड ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट है ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट का इंटरेस्ट फाइंड करना है मतलब फर्स्ट डेट से ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है यहां फर्स्ट डेट से इस ड्यू डेट तक का इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है तो इसीलिए बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर रहे थे फर्स्ट फर्स्ट डेट 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 से date, date से ड्यू ड्यू समझ में आया कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हमको वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है तो वी विल कैलकुलेट विच नंबर ऑफ डेज from first date of statement period to due date of each transaction. Number of days जब आप calculate कर रहे हो, ध्यान से सोचना, ध्यान से सुनना, आप forward balance method में due date से statement date तक जब calculate करते थे, due date से statement date की calculation में क्या ये दोनों date include करते थे? क्या ये दोनों का दोनों date include करते थे? No sir. ड्यू डेट से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम ड्यू डेट के बाद से अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते थे वी टू स्टार्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन इमीडिएटली फ्रॉम नेक्स्ट डे आफ्टर ड्यू ड्यू डेट डेट को calculation में नहीं लेते थे तो यहां पे बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हमें कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है मतलब हमको फर्स्ट डेट और ड्यू डेट दोनों को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है फर्स्ट डेट और ड्यू डेट दोनों को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है यस सर तो आप लोग फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन बैकवर्ड बैलेंस मेथड दैट इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज बोथ फर्स्ट डेट ऑफ स्टेटमेंट पीरियड

सर अगर फर्स्ट डेट को ओपनिंग बैलेंस है अगेन समझना ध्यान से फर्स्ट डेट को अगर ओपनिंग बैलेंस है इफ देर इज ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट डेट फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में हम क्या करते थे फर्स्ट डेट से स्टेटमेंट डेट तक टोटल नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते थे फर्स्ट डेट को इंक्लूड करते थे क्या सर फॉर ओपनिंग बैलेंस यस फर्स्ट डेट को भी इंक्लूड करते थे क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इज इन द बिगिनिंग ऑफ दैट डे तो फर्स्ट डेट का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा तो बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम लोग क्या सोच रहे हैं बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हमको वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है जिसका इंटरेस्ट फाइन नहीं करने है जिसका इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना है तो फर्स्ट डेट का भी अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अगर कोई पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज फॉर ओपनिंग बैलेंस इन बैकवर्ड बैलेंस मेथड हम बोलेंगे ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है ओपनिंग बैलेंस के लिए ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है मतलब फॉर ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज विल ऑलवेज भी जीरो नंबर ऑफ डेज जीरो है तो प्रोडक्ट या इंटरेस्ट भी जीरो ही आएगा ना मतलब फॉर ओपनिंग बैलेंस वी नेवर कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट फॉर ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड करेक्ट तो हमने कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए सर हमने वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए जिसका इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट नहीं करना है पर लेकिन क्या ये ये आपको सेम इंटरेस्ट देगा क्या इंटरेस्ट जो कैलकुलेट नहीं करना है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है नो no. हमने अभी तक कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है और वो नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट को टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया जाए वो नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट को टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट से माइनस कर दिया जाए तो जो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट फाइंड करना है वो मिल जाएगा ना अगेन आपका स्टेटमेंट पीरियड है फर्स्ट डेट से टेंथ डेट सपोज आपका स्टेटमेंट पीरियड है फ्रॉम फर्स्ट डेट टू टेंथ डेट किसी ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट तीन तारीख है फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में आप थर्ड डेट से टेंथ डेट तक ये सेवन डेज डायरेक्टली कैलकुलेट करते थे बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हम उल्टा जा रहे हैं हम सबसे पहले वो नंबर ऑफ डेज ले रहे हैं जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है मतलब फर्स्ट डेट से थर्ड डेट फर्स्ट डेट से थर्ड डेट और फिर लास्ट में क्या करेंगे ये तीन दिन के को पूरे दस दिन के इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे तीन दिन के इंटरेस्ट को पूरे दस दिन के इंटरेस्ट में से माइनस करोगे तो सेवन डेज का इंटरेस्ट आंसर में बच जाएगा ना आई होप नाउ यू आर गेटिंग पहले कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए फर्स्ट डेट से ड्यू डेट सर वो नंबर ऑफ डेज जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है और फिर वो नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट को टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया जाए तो यू विल गेट इंटरेस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज समझ में आ रहे तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से माइनस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे जो भी क्लोजिंग बैलेंस अमाउंट कॉलम है क्लोजिंग बैलेंस इन अमाउंट कॉलम क्यों क्लोजिंग बैलेंस इन अमाउंट कॉलम ले रहे हैं तो हम लोग सीधा सभी ट्रांजेक्शन का नेट इफेक्ट ले रहे हैं क्लोजिंग बैलेंस इन अमाउंट कॉलम विल बी मल्टीप्लाइड बाय टोट Total number of days in statement period will be multiplied by total number of days in statement period and recorded in product column only. will be multiplied by total number of days in statement period and recorded in product column only. And after this, इसके बाद अगर आप net product find करोगे तो जो forward balance method में net product आता था same net product आपको मिलेगा same net product मिलेगा तो obviously interest भी same ही आएगा ना एक change होगा वापिस से इस example को देखिए हमने क्या किया पहले first date से due date वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना था उसको टोटल नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से माइनस किया मतलब थ्री डेज के इंटरेस्ट को टेन डेज के इंटरेस्ट में से माइनस किया तो आपका आंसर सेवन नहीं माइनस सेवन डेज आएगा मतलब आपका जो नेट प्रोडक्ट आएगा वो अपोजिट साइड आएगा नेगेटिव साइड आएगा फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में अगर क्रेडिट साइड नेट प्रोडक्ट आ रहा था तो बैकवर्ड बैलेंस मेथड में सेम अमाउंट ऑफ नेट प्रोडक्ट आएगा बट ऑन डेबिट साइड तो हम इसको एडजस्ट कैसे करेंगे सर फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में इंटरेस्ट कहां रिकॉर्ड करते थे ऑन अपोजिट साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में इंटरेस्ट अपोजिट साइड रिकॉर्ड कर देते यहां नेट प्रोडक्ट ही अपोजिट साइड आ रहा है तो इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन सेम साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट इंटरेस्ट हमेशा नेट प्रोडक्ट के साइड ही रिकॉर्ड कर दिया जाए तो फोर्थ पॉइंट इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन सेम साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट चलिए कि एग्जाम्पल करते हैं तो यूल गेट मोर क्लैरिटी आप लोग पहले इतना पॉज करके कॉपी कर लेंगे देन विल मूव ऑन टू दी नेक्स्ट एग्जाम्पल कम टू क्वेश्चन नंबर टेन इन आर क्लास वर्क अकाउंट करंट क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन में क्या इंफॉर्मेशन दिया है फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टूक प्लेस between ए एंड बी फॉर थ्री मंथ्स एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन ए और बी के बीच में थ्री मंथ्स में क्या ट्रांजेक्शन हुए उसका डिटेल आपको दिया है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड बाय वन पार्टी टू अनादर एक पार्टी दूसरे को कितना इंटरेस्ट पे करेगी वो कैलकुलेट करना है एट टेन परसेंट पर एनम यूजिंग ईपोक मेथड मतलब बैकवर्ड बैलेंस मेथड तो स्टेटमेंट पहले प्रिपेयर करते हैं वन सेंडर हु इज रिसीपिएंट क्लैरिफाई नहीं किया है, तो हम लोग जनरली क्या लेंगे ये स्टेटमेंट जनरली एक क्रेडिटर बनाता है और सेंड कर देता है किसको? डेटर को तो यहां पे फर्स्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन अगर आप पढ़ें फर्स्ट इंफॉर्मेशन आप अगर देखें तो वन वन टू थाउजेंड को ओपनिंग बैलेंस डेबिट इन बुक्स ऑफ ए इन बुक्स ऑफ ए लाख रुपीस दिया है ए की बुक्स में बी का ओपनिंग डेबिट बैलेंस वन लाख दिया है ए की बुक्स में बी का ओपनिंग डेबिट बैलेंस दिया है मतलब ए के लिए बी उसका डेटर है तो ए इज हियर एंड बी इज डेटर मतलब ए ये स्टेटमेंट बना रहा है और सेंड कर रहा है किसको बी को तो ए इज सेंडर एंड बी इज रिसीपियंट हेडिंग क्या आ जाएगा सर बी इन अकाउंट करंट विथ ए एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन बी इन अकाउंट करंट विथ ए एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटीन स्टेटमेंट तो सेम वैसे ही बनेगा क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेथड से स्टेटमेंट बनाना है कि प्रोडक्ट मेथड से बनाना है स्पेसिफाई ना किया जाए तो बाय डिफॉल्ट हम लोग हमेशा प्रोडक्ट मेथड फॉलो करेंगे वी विल ऑलवेज फॉलो विच मेथड प्रोडक्ट मेथड कुछ नहीं बोला है तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड किसके बिहाफ पे सोचना है सर हमको हमको ए के बिहाफ पे सोचना है हम लोग ए हैं ए की बुक्स बना रहे हैं किसका अकाउंट बना, बना रहे हैं हम लोग बी का अकाउंट बना रहे ऑन वन वन टू थाउजेंड सेवेंटीन ए की बुक्स में बी का ओपनिंग डेबिट बैलेंस दिया है बी के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड शो करेंगे हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ओपनिंग डेबिट बैलेंस हमको कितना दिया है हाउ मच इज दैट ओपनिंग डेबिट बैलेंस गिवन इट इज वन लाख फॉर ओपनिंग बैलेंस सेम डेट विल बी टेकन एज ड्यू डेट टेन वन सेवनटीन सोल्ड गुड्स टू बी वी आर सेलिंग गुड्स टू बी एंट्री विल बी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो बी के अकाउंट में डेबिट साइड टू सेल्स क्रेडिट पीरियड नहीं दिया है तो ट्रांजेक्शन डेट ही अपना ड्यू डेट हो जाएगा टू लाख फिफ्टीन जनवरी कैश रिसीव्ड फ्रॉम बी कैश आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू बी यस तो कैश रिसीव फ्रॉम बी जर्नल एंट्री विल बी कैश टू बी बी के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड बाय कैश सेम डेट विल बी टेकन एज आर ड्यू डेट सेम ट्रांजेक्शन डेट विल बी टेकन एज आर ड्यू डेट then on 15th of feb sold goods to b we are selling goods to b b2 sales 15th of feb b2 sales same transaction date will be taken as our due date and then cash received from b on 1st march cash to b कैश टू बी ऑन फर्स्ट मार्च दैट इज रुपीज वन लैक तो आफ्टर वी हैव रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के बाद लेट इज नाउ कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज हमको कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं सर वो नंबर ऑफ डेज जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस में तो हर एक दिन का इंटरेस्ट फाइंड करना है मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं है जिसका इंटरेस्ट हमको फाइंड नहीं करना है तो नंबर ऑफ डेज विल बी जीरो वन से अमाउंट इज वन लैखर इज टू लैख तो फॉर ओपनिंग बैलेंस नंबर ऑफ डेज या प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं देन नेक्स्ट का ड्यू डेट है टेंथ ऑफ जनवरी। कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने हैं सर? फ्रॉम फर्स्ट डेट टू ड्यू डेट एंड फर्स्ट डेट एंड ड्यू डेट दोनों कैलकुलेशन में इंक्लूड करना है मतलब फर्स्ट जनवरी से टेंथ जनवरी नंबर ऑफ़ डेज कितना हो जाएगा टेन डेज नंबर ऑफ डेज विल बी टेन डेज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट है फिफ्टींथ फेब फिफ्टींथ ऑफ फेब व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फिफ्टींथ ऑफ फेब कौन से नंबर ऑफ डेज फर्स्ट डेट से ड्यू डेट तो जनवरी में पूरे थर्टी वन डेज And Feb May 15 days. Sir, 46 days. How many days? 46 days. Then 15th of January. 15th of January. Conse days. 1st January say 15 January. 15 days. And then 1st of March. 1st of March. फर्स्ट ऑफ मार्च मतलब जनवरी में टोटल थर्टी वन डेज फेब में ट्वेंटी एट डेज पूरे एंड फॉर दंथ ऑफ मार्च फॉर दंथ ऑफ मार्च वन डे वन डे ऑफ मार्च तो थर्टी फिफ्टी सिक्सटी डेज नंबर ऑफ डेज हमको मिला टेन डेज फोर्टी सिक्स डेज 15 days and 60 days find out product 2 lakh into 10 20 lakh 2 lakh into 46 92 lakh 2 lakh into 15 30 lakh and 60 lakh तो हमने वो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट या प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया जिसका इंटरेस्ट हमको फाइंड नहीं करना है तो अब लास्ट में क्या करेंगे जो भी अमाउंट कॉलम में बैलेंस होगा वी विल मल्टीप्लाई इट विथ टोटल नंबर ऑफ डेज इन स्टेटमेंट पीरियड अमाउंट कॉलम में बैलेंस कितना है फाइव लाख माइनस थ्री लाख अमाउंट कॉलम में बैलेंस कितना है टू लाख बैलेंस इन अमाउंट कॉलम मल्टीप्लाइड विथ टोटल डेज इन स्टेटमेंट पीरियड वॉट इज बैलेंस इन अमाउंट कॉलम इट इज टू लैख सर बैलेंस इन अमाउंट कॉलम इज टू लैख सर टोटल डेज इन स्टेटमेंट पीरियड हमारा स्टेटमेंट थ्री मंथ्स का बन रहा है जैन फेब मार्च जैन थर्टी वन डेज फेब ट्वेंटी एट डेज मार्च थर्टी वन डेज टोटल डेज इन स्टेटमेंट पीरियड 90 डेज सर तो 2 लाख इन टू डेज वन करोड़ एटी लाख तो नेट प्रोडक्ट कितना आता है हाउ मच इज योर नेट प्रोडक्ट सर तो इट इज टू करोड़ सेवेंटी लाख, टू करोड़ सेवेंटी लाख माइनस फिफ्टी ट्वेंटी टू करोड़ फिफ्टी वन करोड़ फिफ्टी एट नेट प्रोडक्ट कम्स टू वन करोड़ फिफ्टी एट एंड इफ योर नेट प्रोडक्ट इज वन वन करोड़ फिफ्टी एट यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट डायरेक्टली ऑन दिस नेट प्रोडक्ट इंटरेस्ट वन करोड़ फिफ्टी एट पे आपको कैलकुलेट करना है what is the rate of interest given it is 10% for one day on 1 crore 58 lakh 10% for one day इट इज फोर थ्री टू एट इंटरेस्ट इज फोर थ्री टू एट फोर थ्री टू नाइन आई वुड से पॉइंट सेवन सिक्स आता है क्योंकि बैकवर्ड बैलेंस मेथड है इंटरेस्ट कहां लिखेंगे फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में ऑन अपोजिट साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट लिखते थे बट बैकवर्ड बैलेंस मेथड में क्योंकि ये नेगेटिव नेट प्रोडक्ट है एडजस्ट करने के लिए इंटरेस्ट हम सेम साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट लिखेंगे तो ऑन मार्च थर्टी फर्स्ट इंटरेस्ट फोर थ्री टू नाइन और अब हम अमाउंट कॉलम में बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सर व्हाट इज द अमाउंट नेट अमाउंट बल अलोंग विद इंटरेस्ट तो इट इज टू लैक फोर थाउजेंड थ्री ट्वेंटी नाइन टू लैक फोर थाउजेंड थ्री ट्वेंटी नाइन मेथड समझ में आया पहले वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है और उसको यह स्टेप फॉलो करके टोटल डेज के इंटरेस्ट में से माइनस कर दिया तो हमको वो डेज का इंटरेस्ट मिल गया जो हमको फाइंड करना है ये फ्रेम पॉज करके आप लोग कॉपी करेंगे फिर यही एग्जाम्पल हम फॉरवर्ड बैलेंस मेथड से करके चेक करेंगे वेदर वी आर गेटिंग द सेम इंटरेस्ट और नॉट पॉज कीजिए एंड देन कॉपी हमने अभी जो सम सॉल्व किया था यही सम बैकवर्ड बैलेंस मेथड से सॉल्व किया था जहां पे Of days, हमने कैलकुलेट किए फ्रॉम फर्स्ट डेट टू ड्यू डेट ऑफ अ ट्रांजेक्शन लेटेस्ट अगेन कैलकुलेट एंड चेक नंबर ऑफ डेज एंड प्रोडक्ट बाय फॉरवर्ड बैलेंस मेथड फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में सर कौन से नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करते हैं विच नंबर ऑफ डेज विल बी कैल्कुलेटेड इन फॉरवर्ड बैलेंस मेथड तो फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट तो ओपनिंग बैलेंस के लिए नंबर ऑफ डेज कितने होंगे ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट 90 डेज टेंथ जनवरी तो जनवरी में थर्टी वन माइनस टेन ट्वेंटी वन डेज आर देयर ट्वेंटी एट डेज फेब के थर्टी वन डेज मार्च के टोटल नंबर ऑफ डेज एट्टी डेज फिफ्टीन फेब, तो जनवरी में ट्वेंटी एट माइनस फिफ्टीन थर्टीन डेज थर्टी वन डेज ऑफ मार्च टोटल फोर्टी फोर डेज जनवरी में थर्टी वन माइनस फिफ्टीन सिक्सटीन डेज ट्वेंटी एट डेज एंड थर्टी वन डेज तो फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी फाइव डेज एंड देन फर्स्ट मार्च तो जैन फेब में एक भी दिन नहीं मार्च में थर्टी डेज एटी डेज फोर्टी फोर डेज सेवेंटी फाइव डेज एंड थर्टी डेज कैलकुलेट नेट प्रोडक्ट कितना आता है प्रोडक्ट कितना आता है तो यहां पे मिलेगा नाइनटी लाख वन करोर सिक्सटी लाख एंड एटी एट लाख वन करोर फिफ्टी लाख एंड थर्टी लाख, नेट प्रोडक्ट विल बी नाइनटीन सिक्सटी वन फिफ्टी वन फिफ्टी एट आप देख सकते हैं वी आर गेटिंग दैट सेम नेट प्रोडक्ट जो हमको बैकवर्ड बैलेंस मेथड में मिल रहा था एग्जैक्टली सेम नेट प्रोडक्ट नेट प्रोडक्ट अगर मिल गया तो उसपे इंटरेस्ट सेम ही आएगा फोर थ्री टू नाइन ऑन दैट सेम नेट प्रोडक्ट टेन परसेंट इंटरेस्ट विल बी सेम फोर थ्री टू नाइन बट फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में वी यूज टू राइट दैट इंटरेस्ट ऑन अपोजिट साइड फॉरवर्ड बैलेंस मेथड में हम लोग इंटरेस्ट अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते थे टू इंटरेस्ट फोर थ्री टू नाइन एंड देन बैलेंस इन अमाउंट कॉलम बैलेंस इन अमाउंट कॉलम टू लैक फोर थाउजेंड सबको समझ में आ रहा है लॉजिक लग रहा है मैजिक नहीं लग रहा है आई होप यू आर गेटिंग इट लॉजिकली व्हाट इज हैपनिंग इन बोथ दी मेथड्स पॉज कीजिए कॉपी कीजिए देन नेक्स्ट एग्जांपल सो नेक्स्ट आप लोग सब होमवर्क सेक्शन में अकाउंट करंट होमवर्क सेक्शन में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन टेक आउट फर्स्ट क्वेश्चन इन होमवर्क सेक्शन वॉट इज द इंफॉर्मेशन गिवन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एप्रिल टू थाउजेंड सिक्सटीन यू आर गिवन ट्रांजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द मंथ ऑफ एप्रिल लास्ट पैराग्राफ You are required to make out an account current by product method to be rendered by X to Y. Who is preparing this statement? X is preparing, sir, and sending it to Y. So, Y is the recipient, X is the sender. As on 30 April, taking interest into account at 10% per annum. तो हेडिंग फॉर दिस विल बी रिसिपियट इज वाई वाई इन अकाउंट करंट वाई इन अकाउंट करंट विथ एक्स एज ऑन एज ऑन थर्टी अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन तो हमें किसके बिहाफ पे सोचना है फ्रेंड्स हमें एक्स के बिहाफ पे सोचना है हम एक्स की बुक्स में वाय का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं एक्स की बुक्स में वाई का लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्टार्ट लुकिंग एट ट्रांजेक्शन पहला अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई हमें वाई को पैसा देना है मतलब वाई अपना क्रेडिटर है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस वाई का हमें दे दिया है ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है तो सेम डेट विल बी टेकन एज इट्स ड्यू डेट अमाउंट इज टेन थाउजेंड रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स ध्यान से पढ़ना ध्यान से है लैंग्वेज पे ध्यान देना है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स मतलब एक्स अपना एक्सेप्टेंस दे रहा है एक्स एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्स के लिए पेबल हो रहा है जो एक्सेप्ट करता है उसके लिए पेएबल होता है एक्स एक्सेप्ट कर रहा है मतलब यहां पे एक्स के लिए ये क्या हुआ दिस इज बिल्स पेबल फॉर एक्स विच इज ड्रॉन बाय हमारा क्रेडिटर था Y को अमाउंट पेबल था तो Y की तरफ हमारी लाइबिलिटी थी जैसे ही हमने बिल एक्सेप्ट किया जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया वाय अपना क्रेडिटर नहीं है अब वो बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है वाई नो लॉन्गर इज आर क्रेडिटर तो वाई का लाइबिलिटी डिक्रीजेस वाई का अकाउंट डेबिट करेंगे बिल्स पेबल नाउ बिकम आर लाइबिलिटी नाउ बिकम्स बिकम लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी इंक्रीजेस देयर बिल्स पेबल क्रेडिट करेंगे मतलब जर्नल एंट्री क्या बनेगा वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल तो वाई के अकाउंट में पोस्टिंग डेबिट साइड करेंगे हम लोग ऑन सेवेंथ अप्रैल टू बिल्स पेबल टू मंथ इज द ड्यूरेशन ऑफ बिल तो सेवेंथ एप्रिल प्लस टू मंथस मतलब सेवेंथ जून प्लस थ्री डेज ऑफ ग्रेस टेंथ जून सर टेंथ जून विल बी ड्यू डेट ऑफ दिस बिल अमाउंट इज फाइव थाउजेंड टेंथ

सोचो क्या एंट्री पास किया था बिल ड्रॉ करने से पहले वाय हमारा डेटर था जैसे ही बिल ड्रॉ किया वाय डेटर नहीं रहा वो बिल अपनी एसेट हो गई तो जब हमने बिल ड्रॉ किया था हमने एंट्री पास किया था बिल रिसीवेबल टू सेवेंथ फेब को हमने एंट्री पास किया था बिल रिसीवेबल टू वाय आज वो बिल का पेमेंट मिल गया है पैसा मिल गया है तो एंट्री क्या देना चाहिए कैश आ रहा है एसेट बढ़ रहा है कैश अकाउंट डेबिट

तो ये ट्रांजेक्शन हमारे स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं कर रहा है फिर टेंथ कोई एक दूसरा ट्रांजेक्शन है एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई एक्स इज सेलिंग गुड्स टू वाई तो एंट्री क्या हो जाएगा वाई टू सेल्स वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स फिफ्टीन थाउजेंड ब्रैकेट में दिया है इनवॉइस डेटेड टेंथ ऑफ मे मतलब ड्यू डेट ऑफ द सेल इज टेंथ ऑफ मे पेमेंट ऑफ द सेल इज टू बी गिवन ऑन टेंथ ऑफ मे एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई एक्स को वाई से चेक मिला है लेकिन वो एक पोस्ट डेटेड चेक है चेक पे डेट लिखा है फिफ्टींथ ऑफ मे आज हमें चेक मिला है लेकिन चेक पे डेट फिफ्टींथ मे लिखा है तो क्या आज वो चेक बैंक में डिपोजिट हो सकता है नहीं सर दैट on चेक कैन बी डिपॉजिट नहीं हो सकता है तो क्या आज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा नो सर तो इफ अ चेक इज रिस एंड नॉट डिपोजिटेड वी ऑलवेज ट्रीट दैट एज कैश अगर चेक मिला है लेकिन डिपोजिट नहीं हो सका है तो उसे हम लोग क्या मान के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं कैश मान के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं मतलब ये जो चेक मिला है इसके लिए एंट्री क्या दिया जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू वाई क्या एंट्री देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू वाई वी आर गेटिंग दिस चेक ऑन फिफ्टींथ ऑफ ऑन ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल बाय कैश लेकिन क्योंकि चेक का डेट फिफ्टींथ मई है ड्यू डेट हम लोग रिकॉर्ड करेंगे फिफ्टींथ ऑफ मे दिस शुड बी कंसिडर्ड एज पेमेंट रिसीव्ड नॉट ऑन ट्वेल्थ अप्रिल दिस शुड बी कंसिडर्ड एज पेमेंट रिसीव्ड ऑन फिफ्टींथ ऑफ मे सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाई सोल्ड गुड्स टू एक्स Y, X को गुड्स बेच रहा है हम एक्स हैं हम लोग वाई से गुड्स परचेज कर रहे हैं वी आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम वाई जर्नल एंट्री बन जाएगा परचेज टू वाई परचेज टू वाई तो वाई के अकाउंट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड इनवॉइस डेटेड फिफ्टींथ मे सो ड्यू डेट फॉर दिस इज परिफ्टींथ ऑफ मे ड्यू डेट फॉर दिस परचेज इज फिफ्टींथ ऑफ मे एक्स रिटर्न गुड्स सोल्ड बाय बायथ एप्रिल वाई ने जो गुड्स बेचा था नहीं हमने जो वाई से गुड्स खरीदा था ऑन फिफ्टी एप्रिल उसमें से एक्स ने थोड़ा गुड्स रिटर्न कर दिया है परचेज रिटर्न हो गया हमारे लिए परचेज रिटर्न का एंट्री क्या होगा परचेज हमारा एक्सपेंस था परचेज रिटर्न किया तो इट इज रिडक्शन इन आर एक्सपेंस रिडक्शन इन एक्सपेंस क्रेडिट होगा मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगा वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न वाई अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न परचेज रिटर्न हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी डिस्कस किया था किसी स्पेसिफिक परचेज में से अगर रिटर्न आता है किसी स्पेसिफिक परचेज में से अगर गुड्स रिटर्न हो रहा है तो जो परचेज का ड्यू डेट है वही रिटर्न का ड्यू डेट मान लेना है हमको परचेज का ड्यू डेट फिफ्टींथ में था तो ये परचेज रिटर्न का ड्यू डेट भी 15th में ही ले लेना है लास्ट बिल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय वाई बिल जो वाई ने एक्सेप्ट किया था मतलब हमने ड्रॉ किया था हमारे लिए क्या हुआ बिल रिसीवेबल हुआ सर बिल विच वॉज एक्सेप्टेड बाय बाई डिसऑनर्ड ऑन दिस ड्यू डेट आज वो बिल का ड्यू डेट है एंड आज वाई ने वो बिल का पेमेंट नहीं दिया मतलब बिल डिसऑनर कर दिया कैंसल कर दिया जब हमने वाई पे बिल ड्रॉ किया था हमने एक जर्नल एंट्री पास किया था क्या एंट्री पास किया था बिल रिसीवेबल टू वाई बिल रिसीवेबल को एसेट बनाया था वाई का अकाउंट क्लोज कर दिया था बिल रिसीवेबल टू वाई अगर ड्यू डेट पे ये बिल डिसऑनर हो गया कैंसल हो गया तो हमने बिल ड्रॉ करने का जो एंट्री पास किया था उसे कैंसल करना पड़ेगा बिल ड्रॉ करने का जो एंट्री पास किया था उसे रिवर्स करना पड़ेगा बिल ड्रॉ करने का क्या एंट्री पास किया था सर बिल रिसीवेबल टू वाई तो रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा वाई टू बिल रिसीवेबल वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल के अकाउंट में डेबिट साइड आज उसका ड्यू डेट है अप्रैल। अमाउंट इज फाइव थाउजेंड परचेज रिटर्न वॉज वन थाउजेंड एंड दिस इज फाइव थाउजेंड तो हमने सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए सर वी हैव रिकॉर्डेड ऑल दी ट्रांजेक्शन मेथड कौन सा लेना है बोला नहीं है फॉरवर्ड बैलेंस मेथड की बैकवर्ड बैलेंस मेथड कुछ नहीं बोला है सर वी वुड बी सॉल्विंग पहले फॉरवर्ड बैलेंस मेथड सीधा मेथड फॉरवर्ड बैलेंस मेथड मतलब नंबर ऑफ डेज कौन से कैलकुलेट करने हैं सर फ्रॉम ड्यू डेट टू स्टेटमेंट डेट ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट तक तो अस स्टार्ट ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट अप्रैल है थर्टी अप्रैल स्टेटमेंट डेट तो ड्यू डेट से स्टेटमेंट डेट फर्स्ट अप्रैल से थर्टी थर्टी अप्रैल ट्वेंटी नाइन डेज सर एक मिनट सर फर्स्ट अप्रैल तो ओपनिंग बैलेंस है और ओपनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन में हम फर्स्ट डेट को भी इंक्लूड करते हैं तो थर्टी डेज फिफ्टीन में स्टेटमेंट डेट के बाद आता है इस पर इंटरेस्ट नहीं देना है इंटरेस्ट सेव करेंगे रिबेट मिलेगा तो इसके नंबर ऑफ डेज नेगेटिव साइन के साथ रिकॉर्ड करेंगे माइनस फिफ्टीन डेज Forty one days minus, minus ten days minus fifteen days and ten days. Product three lakh seventy five hundred <coughs> one lakh twelve thousand five hundred ninety thousand. Two lakh five thousand, one lakh fifty thousand, fifteen thousand, and fifty thousand. Find out net product three lakh, minus one lakh twelve five hundred, minus ninety thousand, plus two lakh five, plus one lakh fifty. प्लस फिफ्टीन थाउजेंड माइनस फिफ्टी थाउजेंड तो नेट प्रोडक्ट फोर लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आ रहा है यू आर गेटिंग नेट प्रोडक्ट ऑफ फोर लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इंटरेस्ट ऑन दिस नेट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा फोर लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेट प्रोडक्ट आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन टू यू एस टेन परसेंट तो फोर लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड पे टेन परसेंट फॉर वन डे टेन परसेंट फॉर वन डे इंटरेस्ट कम्स टू वन वन फोर पॉइंट थ्री आता है मतलब वन वन फोर और क्योंकि फॉरवर्ड बैलेंस मेथड है इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट इंटरेस्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ नेट प्रोडक्ट तो क्रेडिट साइड शो करेंगे बाय इंटरेस्ट एंड नाउ कैलकुलेट बैलेंस इन अमाउंट कॉलम डेबिट साइड टोटल इज मोर बैलेंस इन अमाउंट कॉलम विल बी टू थ्री एट सिक्स नेट ऑफ इंटरेस्ट टू थ्री एट सिक्स रिसीवेबल है फ्रॉम वाई फॉरवर्ड बैलेंस मेथड समझ में आया पॉज कीजिए कॉपी कीजिए विल बी सॉल्विंग द सेम बाय बैकवर्ड बैलेंस मेथड देन फ्रेंड्स न लुकिंग एट दैट सेम एग्जाम्पल बट नाउ बाय बैकवर्ड बैलेंस मेथड सर बैकवर्ड बैलेंस मेथड में कौन से नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हमको नंबर ऑफ डेज लेना है फ्रॉम फर्स्ट डेट टू ड्यू डेट फर्स्ट डेट से ड्यू डेट तक जब ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस के लिए हम नंबर ऑफ डेज या प्रोडक्ट फाइंड ही नहीं करते हैं सर ओके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का ड्यू डेट फिफ्टीन फाइव है स्टेटमेंट डेट हमारा क्या है वी आर प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी अप्रैल तो फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू फिफ्टीन फाइव फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू फिफ्टीन फाइव अगेन फोर्टी फाइव डेज फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू 10th जून अप्रैल 30 डेज मई 31 डेज जून जून में 10 डेज 71 डेज फोर्टी डेज Forty-five days and twenty days. Find out product. Three thirty-seven five hundred. Two lakh seventy lakh lakh. फोर्टी फाइव थाउजेंड वन लैख बैकवर्ड बैलेंस मेथड में हमने वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया जिसका इंटरेस्ट फाइंड नहीं करना है ये नंबर ऑफ डेज के इंटरेस्ट में से टोटल नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट माइनस किया जाए तो वो नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट मिलेगा जो हमको फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे लास्ट स्टेप अमाउंट कॉलम में जो भी बैलेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डेज इन स्टेटमेंट पीरियड यस अमाउंट कॉलम में बैलेंस कितना है सर अमाउंट कॉलम का टोटल फिफ्टीन फाइव ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थ्री फाइव हंड्रेड मतलब टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज बैलेंस इन अमाउंट कॉलम बैलेंस इन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल डेज बैलेंस इन अमाउंट ट्वेंटी फाइव हंड्रेड टोटल डेज हमारे स्टेटमेंट पीरियड में टोटल डेज कितने थर्टी डेज तो प्रोडक्ट आता है सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्रोडक्ट कम्स टू सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाउ फाइंड आउट नेट प्रोडक्ट माइ डियर फ्रेंड्स नेट प्रोडक्ट थ्री लाख फिफ्टी फाइव थाउजेंड प्लस सिक्स लाख प्लस फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस वन लाख माइनस थ्री थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड माइनस टू सेवेंटी थाउजेंड माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड ओ माई गॉड मैजिक सेम नेट प्रोडक्ट वी आर गेटिंग फोर लैक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड नेट प्रोडक्ट फोर फाइव हंड्रेड है तो ऑन दैट नेट प्रोडक्ट इंटरेस्ट इज बाउंड टू बी सेम बैकवर्ड बैलेंस मेथड में ये इंटरेस्ट सेम साइड रिकॉर्ड होता है कि अपोजिट साइड सेम साइड सर तो इंटरेस्ट का एंट्री क्रेडिट साइड देंगे बाय इंटरेस्ट वन वन फोर एंड नाउ सेम वे वी मे कैलकुलेट बैलेंस इन अमाउंट कॉलम आफ्टर इंटरेस्ट नेट ऑफ इंटरेस्ट बैलेंस इन अमाउंट कॉलम कितना आ रहा है सर टू थ्री एट सिक्स तो आप फॉरवर्ड बैलेंस मेथड से सम सॉल्व करो या बैकवर्ड बैलेंस मेथड से इंटरेस्ट तो अल्टीमेटली सेम ही रहता है ये एक अकेला ऐसा सम है जहां पे बैकवर्ड बैलेंस मेथड जस्टिफाई किया जा सकता है आपने देखा होगा फॉरवर्ड बैलेंस मेथड से बहुत सारे नेगेटिव नंबर ऑफ डेज थे नेगेटिव प्रोडक्ट आ रहा था बैकवर्ड बैलेंस मेथड का ब्यूटी ही ये है इसमें कभी भी नंबर ऑफ डेज नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि हम फर्स्ट डेट से ड्यू डेट कैलकुलेट कर रहे हैं मतलब हमको प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेज हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा तो कैलकुलेशन रिलेटिवली थोड़ा इजी होगा आई होप इट इज क्लियर बैकवर्ड बैलेंस मेथड अभी समझ में आ रहा है सबको पॉज करेंगे कॉपी करेंगे देन विल मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल